Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Yani Qur'an Kareem ko ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। अल मुज़म्मिल। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुरान सीखा और सिखाया। रवाह बुखारी। काबिले तमाम नाज़रीन, अहकाम तजवीद के हवाले से लेक्चर का आगाज करने जा रहा हूं। यानी कुरान मजीद को तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाए। नाज़रीन, लेक्चर के आगाज से पहले चंद बातें इब्तदाइया के तौर पर पेश खिदमत हैं। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इंसान की तख्लीक फरमाई और इसकी कामल रहनुमाई के लिए वक्तन फवक्तन अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और इन पर इंसानियत की हिदायत के लिए किताबें नाजल फरमाई। इन नाजल होने वाली किताबों में कुरान मजीद आखिरी किताब है। नाज़रीन, कुरान मजीद पर ईमान, इसकी तिलावत, इसकी आयात पर गौर व फिक्र, इसके मानी और मतालब में तदब्बुर और फिर अपनी और मुआशरे की अमली जिंदगी में कुरानी तालीमात पर अमल की मुखलिसाना कोशिश जद्दोजहद हर मुसलमान के लिए अहम तरीन दीनी फरीदा है। और यही कुरान मजीद के हकूक भी है। तो कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाए? इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती। वो लोग जिनको हमने किताब दी यानी कुरान मजीद दिया, वो इसकी तलावत इस तरह करते हैं जिस तरह तलावत करने का हक है। अल बकरा। तो तलावत का हक क्या है? तलावत का हक तरतील के साथ पढ़ना है, जैसा कि तरतील के साथ ही इसे नाज़िल किया गया है। इरशादे लाई है, वरतलनाहु तरतीला, और हमने इसे तरतील के साथ पढ़ा यानी नाज़िल किया। अल-फुरकान। और दूसरी जगह इरशादे बारी ताला है, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। अल मुज़म्मिल। इस आयत का तकाज़ा यह है कि हमारी तलावत तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों से पाक हो, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की वजह से बसा औकात मानी और मतालब ही तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा
یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہماری تلاوت تلفظ کی غلطیوں سے پاک ہو اور احکام تجوید کے مطابق ہو. انہی احکام تجوید کو ان لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں. آمین. آئندہ ایک دو دن میں انشاءاللہ احکام تجوید کے بارے میں پہلا لیکچر اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر بر وقت آپ کے پاس پہنچ جائے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.